बहुत धन्यवाद सर। अब मैं पंकज चतुर्वेदी सर को मंच पे बुलाऊंगा, डायस पे बुलाऊंगा। पंकज चतुर्वेदी जी के लिए मुझे ये कहना है कि कुंवर नारायण के मुकम्मल अध्येता शोध के संदर्भ में पंकज चतुर्वेदी जी हैं। जीने का उदात आशय इनकी पुस्तक है जो कुंवर जी पर केंद्रित है। मैं बुलाता हूँ पंकज चतुर्वेदी जी को। सभी सम्मानित अभ्यागतों और मित्रों, शरद बिल्लौरी जी की एक कविता का शीर्षक याद आ रहा था, तय तो यही हुआ था। 15 मिनट प्रियदर्शन जी कह रहे थे, दिए गए थे, और शरद अकेले कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कृत जिनको मरणोपरांत वो मिला था, और ये एक सर्वानुमत सी बन गई है कि सबसे अच्छे वही थे इन पुरस्कृत कवियों में। तो इसको इस तरह से भी मैं देखता हूँ कि जिसको समय कम मिलता है वो गलतियाँ भी कम करता है। कुंवर नारायण जी का जो नया संग्रह अभी राजकमल से प्रकाशित हुआ है वो मुझे दिया गया था, उसी पर केंद्रित मैंने कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, और पेपर भी है लेकिन पढ़ता नहीं हूँ, मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपसे शेयर करता हूँ। कुंवर जी हमेशा ऐसे कवि रहे जो अपनी कविताओं के प्रकाशन को लेके बहुत संकोच रहता था उनको, और बहुत ज़्यादा शब्दों को बहुत संशय से देखते थे। मैं उनसे उनके घर मिलने जाता था तो जब किसी वाचाल और बहुत मुखर और आक्रामक व्यक्ति की चर्चा करता था तो वो मुस्कुराते थे, और किसी के विरुद्ध उनसे कुछ कहलवाना बहुत कठिन काम था, तो कभी कभी मैं सफलता पा भी जाता था। एक बार मैं काफ़ी देर बोलता रहा तो बोले, हाँ वो उनमें फ्लाइट ज़्यादा है, और मुस्कुराते थे तो उनके मुस्कुराने में ही आलोचना होती थी, और शायद वो इस तरह की आक्रामक और उग्र जो भाषण देने के अभ्यस्त लोग होते हैं उन भाषणों की निस्सारता पर मुस्कुराते थे। तो भाषा बहुत हो और अंतर वस्तु बहुत कम हो, इसको उजागर करने के लिए एक रूपक की रचना उन्होंने की, शब्दों के अकूत खजाने से लदा फदा घोड़ा, बोझ से बेहाल कहने को थोड़ा। और इससे अपने बचाव की खातिर और सावधान और सुचिंतित और सारगर्भित अभ्यक्त की खातिर उन्होंने अपने पूर्वजों को अपना आदर्श माना, लिखा कितने कम शब्दों में कितना कुछ कहते, वह भी कुछ डरते डरते। पूर्वजों को कितना डर था कहना मुश्किल है, पर कुंवर नारायण में निश्चय ही था। इसकी एक खास वजह उनकी निष्प्रियता थी जो उनके स्वभाव की केंद्रीय विशेषता थी। दुनिया में होते हुए भी उससे अलहदा रहने, उससे कोई अपेक्षा न रखने की प्रतिज्ञा जो उन्हें विशिष्ट बनाती है और उनके औदात्त्य की रचना में मददगार होती है। जब कभी वो इससे विचलित होते हैं तो अपने को छोटा महसूस करते हैं, मगर अक्सर इसकी बदौलत उन्होंने जो आत्मवत्ता अर्जित की उससे एक सुखद अचरज होता है और वैसी राह पर चल सकने की शांत नसीहत और हौसला भी मिलता है। हमेशा एक आत्मिक उत्कर्ष उनकी नजर में रहा, इसलिए भौतिक या दुनियावी तौर पर जिसे उपलब्धि माना जाता है उसे कुछ भी समझने को वो तैयार नहीं हुए, और सांसारिक सफलता को असंदिग्ध रूप से निस्सार समझते रहे।
तो मूल्य निष्ठा की ये नैसर्गिक खूबसूरती उनके यहां बराबर मौजूद है। और गजल कहने के लिए तो कुंवर जी जाने नहीं जाते हैं, लेकिन 5 गजलें इस संग्रह में हैं। और ये सुखद है, 5 नायाब गजलें हैं। और पहली ही गजल के 2-3 शेर आपके सामने रखता हूं, और उसमें कामयाब हुए वो गजल का शिल्प साधने में। ख्वाहिशें मंजिल न थी मेरे भटकने की वजह, उससे कुछ आगे निकल जाने पे आमादा हूं मैं। चाह कर दुनिया को मैंने खुद को शर्मिंदा किया, जो अभी मैं कह रहा था, बहुत बड़ा शेर है ये। चाह कर दुनिया को मैंने खुद को शर्मिंदा किया, जितना दे सकती है वो उससे कहीं ज्यादा हूं मैं। लाखों दुनियाएं फरोजा है मेरे एहसास में, वुसअतों में आसमानों की तरह सादा हूं मैं, विस्तार में वुसअतों। अंतिम शेर या इस गजल का जो मकता है उसमें आसमानों के विस्तार और सादगी का जिक्र है। यही वो मकाम है जिसे उनकी इन कविताओं में हम पहचान सकते हैं। जैसे अनुभवों के इंद्रधनुष को पार कर उस एक रंग तक वो पहुंच गए हैं जो इस बहुरंगी सृष्टि का बुनियादी रंग है, उसे हम सत्य का रंग भी कह सकते हैं और निर्गुण या निराकार का रंग भी। जैसे एक योद्धा ने जीवन की उस युद्ध भूमि, गौर कीजिएगा, जीवन की उस युद्ध भूमि जहां उसने कभी जाना नहीं चाहा था, वहां से लौटकर अपने कवच कुंडल उतार कर रख दिए हैं, क्योंकि अब यह है किसी तैयारी, आत्मरक्षा या संघर्ष का नहीं, विदा का वक्त है। बेशक वो घायल और उदास है, मगर उतना ही निर्लिप्त और निरावेग भी। उसके इर्द गिर्द एक सांझ सिमट आई है, फिर भी दूसरों को देने के लिए उसके पास रोशनी के कतरे हैं। हम इनमें भीग सकते हैं और इनकी आभा से जितना मुमकिन हो अपनी आत्मा को समुज्ज्वल बना सकते हैं। एक बार मैंने कुंवर जी से मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त सेन के इस अभिमत की चर्चा की कि गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद में कृष्ण का पक्ष विजेता रहा और अर्जुन का पराजित, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में है ये, लेकिन तमाम युद्धों के नतीजे में मनुष्यता का जो लहूलुहान इतिहास है उसके मद्देनजर अर्जुन के संशय और ऐतराज आज हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान और प्रासंगिक हैं। कुंवर जी बोले, मुझे लगता है कि अर्जुन अच्छे प्रश्न करता होते तो बेहतर जवाब पा सकते थे। और मिथकी आख्यानों और उनसे निःसृत दार्शनिकता से उनका गहन लगाव था और उनके नए मानवीय अभिप्रायों की तलाश वो करते रहते थे। चक्रव्यूह से चला ये सिलसिला अंत तक जारी रहा। वो कहते थे कि मिथकी स्मृतियां चूंकि लोक चित्त में समाहित हैं, इसलिए उनके जरिए उसकी संवेदना और कल्पना को हम बहुत व्यापक और प्रभावशाली ढंग से संबोधित कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मिथक अतीतकालीन, अवास्तविक, अतार्किक और चमत्कारपूर्ण हैं, इसलिए उनका पुनराविष्कार या पुनः पाठ अपने समय से मुंह मोड़ना है। ऐसा मानने वालों में रघुवीर साय जी भी थे। शायद वे इस समीकरण पर गौर नहीं करते कि मिथक भले अवास्तविक हों, मगर जन चेतना पर उनका प्रभाव वास्तविक है। तब क्या ये सारी मानवीय विरासत दुर्व्याख्या और दुरुपयोग के लिए दक्षिणपंथियों को सौंप देने के निमित्त है? रघुवीर साय ने यह चिंता जरूर जाहिर की कि जो हमारे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं वो धर्म पे कोई बहस नहीं चलाते, वो सिर्फ राजनीतिक दंगों पे बयान देते हैं, जिससे यथास्थिति कायम रहती है
और धर्म संबंधी जो समझ है समाज की, उसमें ना कुछ जुड़ता है ना कुछ घटता है। और उन्होंने कहा कि इस रास्ते से धर्मांधता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उनका वाक्य है, इस तरह के यथा स्थिति मानस को के भविष्य को न समझा जा सकता है न संभाला जा सकता है। ये राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की रपट जब तैयार कर रहे थे वो, तब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया, लिखा जो कॉलम में चल सकता। अर्थात इतिहास के लिहाज से देखें तो कौन है, शायद गौतम बुद्ध के सबसे नजदीक है, उनके मध्यम मार्ग के राहगीर हैं। लेकिन प्राक इतिहास में जाएं तो राम के व्यक्तित्व से अपनी संशक्ति को छुपाते नहीं। याद कीजिए उनकी कविता अयोध्या 1992, हे राम जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य, इससे बड़ा क्या हो सकता है, हमारा दुर्भाग्य एक विवादित स्थल में सिमट कर रह गया तुम्हारा साम्राज्य। बाकी कविता छोड़ देता हूं, 15 मिनट का चक्कर है। गौरतलब है कि तुलसीदास के मानस में विन्यस्त वर्णाश्रम धर्मी मानसिकता और संस्कृति की तीखी मुखालफत करने के बावजूद उनके काव्यनायक राम से अपनी आत्मीयता को न डॉक्टर रामनोल लोहिया जैसे भारतीय समाजवादी छिपाते हैं और न मुक्तिबोध सरीखे मार्क्सवादी। लोहिया का बयान है, राम खुद हिले थे 3-4 बार, न हिले होते तो अच्छा होता, ये होते भी उन जैसा मर्यादित जीवन और कहीं नहीं, न इतिहास में न कल्पना में। और मुक्तिबोध ने लिखा है, हम तुलसी के सम्मुख केवल इसलिए नतमस्तक नहीं है कि उनमें श्रेष्ठ कला के दर्शन होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उसमें उक्त मानव चरित्र के भव्य और मनोहर व्यक्तित्व सत्ता के दर्शन होते हैं। तुलसी की रामायण पढ़ते हुए हम एक अत्यंत महान व्यक्तित्व की छाया में रहकर अपने मन और हृदय का विस्तार करने लगते हैं। तो राम को ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में देख पाने के इस आधुनिक नजरिए का सबब क्या है? कुंवर जी के शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु की दो तिथियों के बीच जो यश गाथाएं होती हैं, उनसे अलग हटकर हमें उसकी आकांक्षाओं और विवशताओं पर ध्यान देना चाहिए, तब जी उठता है दो तिथियों के बीच का वृत्तांत। यही वो जीवन है जिसमें कविता की रुचि है। और इसी बिंदु पर कुंवर नारायण राम के व्यक्तित्व से अभिन्नता महसूस करते हैं। अनामिका जी जिस कविता का जिक्र कर रही थी, वो राम जो राज्याभिषेक के समाचार से प्रसन्न नहीं हुए और न वनवास के दुख से म्लान, वो राम जो मुकुट धारण करने के स्वर्णिम समय में भी जीवन के अनिवार्य करुण अंत के प्रति सचेत हैं, जीवन के सुख और दुख की दोनों चरम परिणतियों को एक साथ जानना ही उसे समग्र रूप में जानना है। कुंवर जी में यह दुर्लभ विवेक आरंभ से रहा और प्रस्तुत संग्रह में पुरस्कार शीर्षक कविता मानव इसी भावभूमि की शीर्ष उपलब्धि है। वनवास और राज्याभिषेक रोज की लीला है, जिस खुशी को मुकुट पहने सब देख रहे मेरे चेहरे पर, वो केवल बच्चों का मुखौटा है, मेरे अंदर तो कहीं दूर सरयू तट पर जल समाधि लेते सूर्य की उदासी है। वैसे इन कविताओं के प्रसंग में जिस मिथकी व्यक्तित्व की याद सबसे ज्यादा आती है और कुंवर जी का स्वभाव जिसके सबसे नजदीक मालूम होता है, वो मिथिला के राजा जनक हैं, जो राजा होते हुए भी ऋषि हैं, सदैव होते हुए भी विदेह और सांसारिक होते हुए भी योगी। गीता में कहा गया है कि जो आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि दोनों समभाव से कर्म करना ही योग में स्थित होना है, और इसी समता को योग कहते हैं। कुंवर नारायण ने इसी संतुलन पर इसरार किया और इस पृष्ठभूमि में ताज्जुब नहीं कि
मौजूदा सभ्यता में वो अपने को मिसफिट पाते रहे। आधी सदी से ज्यादा समय पहले परिवेश हमतुम में उन्होंने लिखा कि या तो आबासा की तरह बेसबब जीना है, आबासा की तरह बेसबब जीना है, या सुकरात की तरह जहर पीना है। और इस संग्रह में एक कविता है जिसमें सभ्यता से निर्वासन का यह दंश और तीखा और विषाक्त हो गया है। मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी, सारे जंगल काटे जा चुके थे, जानवर मारे जा चुके थे, वर्षा थम चुकी थी और तप रही थी पृथ्वी आग के गोले की तरह। चारों तरफ लोहे और कंक्रीट के बड़े बड़े घने जंगल उगाए थे, जिनमें दिखाई दे रहे थे आदमी का शिकार करते कुछ आदमी अत्यंत विकसित तरीकों से। मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा। ये ऐसी कविताएं हैं जो लिखी जाते ही क्लासिक हैं और जिनके लिए कुंवर जी हमेशा याद किए जाएंगे। ये ठीक है कि धर्म दर्शन और अध्यात्म के मसलों से उनकी वाबस्तगी थी, मगर उनकी कविता में महज होने का अवसाद नहीं है, बल्कि मनुष्येतर जीव सृष्टि और प्रकृति के विनाश की अनिवार्य शर्तों पर टिके नितांत मनुष्य केंद्रित विकास की आधुनिक परियोजना हमारी सभ्यता को जिस खतरनाक मकाम पर ले आई है उसकी मार्मिक निशानदेही है। इसके अलावा उत्तर सत्य के मौजूदा दौर में तथा कथित आत्महत्या से लेकर चरित्र हत्या, हिरासत में हत्या, फर्जी मुठभेड़ और मॉब लिंचिंग जैसे हिंसा के अनेक अप्रत्याशित रूपों से हमारा सामना है। और कुंवर नारायण कहते हैं कि लोग नाउम्मीद हो गए हैं, उन्होंने मान लिया है कि इस अत्याचार का कोई आखिरी सिरा नहीं। लोग कह रहे दबी जबान से, शायद कभी नहीं बीतेगा बुरा वक्त। अखबारों में अपराधों और हादसों की असमाप्त खबरें हैं। कभी को लगता है कि दुःस्वप्नों की बनिस्बत ये यथार्थ ही ज्यादा भयावह हो गया है। विचित्र समन्वय है कि अब मुझे दुःस्वप्नों से अधिक यह यथार्थ विचलित करता। दाभोलकर, पांसरे और कलबुर्गी की हत्या के बाद एक कविता उन्होंने लिखी संग्रह में है, जिसमें जैसे दर्द कविता की सतह पे छलक आया है। जितना ही खुश रखना चाहता हूं उतनी ही उदास होती जाती हैं मेरी कविताएं। विह्वल प्रार्थनाओं में बदल जाते हैं शब्द। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये समय कुंवर नारायण के लिए बिल्कुल काम में नहीं था और मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा उनकी इस कविता का यह पाठ किया जाए कि वो किसी मिथकीय, औपनिषदिक या पूर्व आधुनिक कालखंड में होना और जीना चाहते थे? शायद उनकी इसी इतिहास दृष्टि से संपन्न कवि की बाबत ऐसा विश्लेषण मुनासिब नहीं होगा। दो मिनट, क्योंकि वो जान रहे थे कि पहले के युगों में अंधेरा कम सघन नहीं था। हमें आक्रांत करता एक आदिम अंधेरा होता जाता है गहरा और गहरा। और कुंवर जी सत्ता तंत्र से सीधी मुठभेड़ करने वाले कवि नहीं थे। उनको शायद ये लगता था कि वो सत्ता तंत्र उनकी अपेक्षाओं के योग्य नहीं है, तो जिससे उम्मीद ना हो उसकी शिकायत भी क्या की जाए। और ये परोक्ष किस्म की आलोचना है और प्रत्यक्ष से इसका मूल्य कम नहीं। जैसा कि गालिब कहते हैं, है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शुहूद, यानी वो परोक्ष का भी परोक्ष है जिसे हम उपस्थित समझते हैं। तो कुंवर नारायण एक ऐसी व्यवस्था का स्वप्न देखते थे जिसमें सत्ता और मनुष्य के बीच, साधारण जन के बीच दूरी कम से कम हो और इंसान उससे निरपेक्ष और स्वतंत्र जीवन जी सके। लेकिन इस समय में उनको लग रहा था कि उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। फासला अत्याचारी और निर्दोष जन के बीच हम चाहते हैं बड़ा फासला बना रहे, लेकिन उतना ही भयानक होता जाता हमारे समय का सच जितना हम ऐसा चाहते हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं
केवल अंत में एक बात कही कि यवतु शेंको का एक कथन अपनी डायरी में कुंवर जी ने नोट किया है, ए पोएट्स ऑटोबायोग्राफी इज हिज पोएट्री, एनीथिंग एल्स कैन ओनली बी ए फुटनोट। तो ये आत्मकथात्मक कविताएं हैं इस संग्रह में, जिनमें उनकी वृद्धावस्था, बीमारी और बाद में वो देख भी नहीं पा रहे थे, तो उसका विषाद, उसकी करुणा उनकी कविताओं में विन्यस्त है और बहुत कारुणिक है। जब वो लिखते हैं कि कैसे बताऊं कि आता है जीवन में ऐसा भी एक छिना हुआ वक्त, जब डर लगता है किसी खुशी से भी मिलाते हुए हाथ। तो ये ऐसी बहुत सी कविताएं हैं। एक कविता में कहते हैं कि अमृत से थक गया हूं और आकाश की अटूट उबासी अब होना चाहती है किसी मृत्यु के बाद की उदासी। तो दिनकर जी उनसे मिले थे जब आत्मजयी लिखा था कुंवर जी ने, और आश्चर्यचकित हुए क्योंकि कुंवर जी युवा थे, तो बोले तुमने इस उम्र में ये आत्मजयी लिखा, आगे चल के क्या लिखोगे। तो आगे चल के शायद दिनकर जी को अंदाजा न रहा हो कि ये यात्रा और गूढ़, संश्लिष्ट और दुर्गम नहीं होनी थी, बल्कि कठिन से सहज की ओर जानी थी, और वो सरलता, वो सहजता उसका शीर्ष बिंदु इस संग्रह में कुंवर जी ने पाया है। बस इतनी बात जरूर है कि इसमें मेरी अपनी समझ में कम से कम 10 कविताएं ऐसी हैं जो लगभग क्लासिक हैं और जिनके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। बहुत सी कविताएं ऐसी भी हैं जो कविता के रूप में ठीक ठीक घटित नहीं हो पाई हैं और डायरी के शिल्प की याद दिलाती हैं। एक रूपक के सारे कहूं आखिरी वाक्य 15 मिनट के कारण, कविता के स्टेशन पर पहुंचने के पहले ये आउटर पर ठहरी हुई ट्रेन सी कविताएं हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात मुझे संभवतः आरंभ में कहनी चाहिए थी कि रजा फाउंडेशन ने आग्रह किया है पंकज चतुर्वेदी से कि वो कुंवर नारायण की जीवनी लिखें, और ये उन्होंने कृपा पूर्वक मान लिया है और हम इसके लिए उनको एक रजा फेलोशिप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने आकारों के आसपास पर लिखते हुए यह बात कही थी, कुंवर नारायण की कहानियां हमारे सोच से आकर टकराती हैं या हमारे सोच के आसपास आकर मंडराने लगती हैं। कई बार यह किसी खास अनुभव को गहराने के लिए खास तरह से लिखी गई है। और अब बेचैन पत्तों के कोरस पर क्या कहते हैं आदरणीय श्री त्याग शुक्ल जी, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए जी, तो आप वहां से भी। पंद्रह मिनट की बहुत बात हो चुकी है, वो नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि जब अशोक जी का पत्र मिला था तो मैंने लिखा था कि इसका पूरी तरह से पालन करूंगा, जो कि मैं करूंगा। मैंने जांच भी लिया है कि कितने पन्ने हैं, और आवाज़ ठीक आ रही है। सब लोग जो कहते हैं कि मैंने 15 मिनट का लिखा है, वो ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, देखता हूँ कि क्या है, क्या निकलता है। बहरहाल मैं इसको पढ़ूंगा ही, क्योंकि इसमें एक चाहता हूँ कि इसको पढ़ूँ ताकि खुद कोई विषयांतर न करने लगूँ बोलने में। पर एक बात कहता हूँ, ये लगभग 50 साल पहले संग्रह आया था आकारों के आसपास, और कोई 10 साल पहले की बात होगी, मैंने कुंवर जी को एक शाम को फ़ोन किया
और उनसे कहा कि मैं आज मैंने आकारों के आसपास संग्रह फिर उठाया है और चार पांच कहानियां पढ़ गया हूँ और बहुत इस भाव से फ़ोन किया था कि देखिए कब की लिखी हुई कहानियाँ, कब की पढ़ी हुई कहानियाँ, कब मैंने उन पर लिखा था और आज मुझे उनमें और क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तो हमारी 5-10 मिनट बात होती रही, फिर मैंने कहा कि आपको और लिखना चाहिए, तो याद नहीं कुंवर जी ने क्या जवाब दिया था, पर कितना अच्छा है कि कुंवर जी की कहानियाँ हमको मिली इस रूप में आकारों के आसपास के बाद। और ये आगे पीछे की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि आगे पीछे कुछ होता नहीं है साहित्य में उस तरह से, एक दूसरी दुनिया में आप उतरते हुए दूसरे अनुभव में ये बिल्कुल एक अलग तरह की कहानियाँ हैं। एक बात और, वर्जी का जो विट और ह्यूमर का और आयरनी का बोध था बहुत गहरा था। सच पूछे तो उनके सारे लेखन में वो कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाता है और हम लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में 2-4 मिनट में कुछ फूट पड़ता था वो, और आपको एक साथ बहुत गंभीर और एक साथ बहुत विडम्बनापूर्ण जीवन और उसमें हंसी भी है और करुणा भी है सब दिखाई पड़ने लगता था। घड़ी देख लेते अच्छा। इसका शीर्षक मैंने रखा है कहानी के पत्ते, शीर्षक रखते हुए अशोक जी को जो लिखा था नोट उसकी बात अभी नहीं करूँगा। कुंवर नारायण के कहानी संग्रह बेचैन पत्तों का कोरस, स्वयं कहानी विधा को सोचती हुई कहानियां भी हैं। कहानी की विविध परंपराओं की याद भी इन कहानियों की रचना विधि में की गई है और कहानी कहने की विधि में कुछ चीजें नए ढंग से खोजी भी गई हैं। यही संग्रह की प्राप्ति भी है। एक और प्राप्ति है मनुष्य मन के तमाम अंधेरे उजालों को कुछ नए संदर्भों में उजागर करने की। आकारों का आसपास संग्रह में भी कहानी ने अपने को एक नई तरह से प्रकट किया था, पर इस नए संग्रह की कहानियों ने जो आकारों के आसपास 1971 में छपा था वो संग्रह के कोई 47 वर्षों बाद आया है, फिर अपने को नए रूप में रचा है। कहानियां संग्रह में आने से पहले संभवतः कई वर्षों पहले से लिखी जा रही थी और कुंवर जी के जीवन काल में ही खोज ली गई थी उनके कागजों में। ये प्रकाशित तो रही ही आई थी, शायद इनका साझा भी किसी अन्य रूप में नहीं किया गया था। चाहे तो कह सकते हैं कि इन कहानियों को कुंवर जी अकेले में ताश के पत्तों की तरह फेंटते भी रहे थे। ताश के पत्तों के संदर्भ को यहाँ बिल्कुल अप्रत्याशित न माना जाए। ताश के खेल के संदर्भ में पत्तों को बांटना, पत्तों को खोलना, जोड़ीदार से संकेतों में कुछ कहना, बाजी जीतना या हारना जिस तरह शामिल होता है, वैसा ही संदर्भ कुछ कुछ इन कहानियों का भी बनता है। देर तक पत्तों को खोला नहीं जाता और किसी क्षण विशेष में आकर कहानी बाजी जीत लेती है। जैसा कि संधि कहानी में होता है, कुंवर जी की कहानियों का सार संक्षेप असंभव है और उनमें कोई क्लाइमेक्स होता भी और नहीं भी होता है, प्लॉट भी होता है और ठेठ प्लॉट वाले अर्थों में वह नहीं भी होता है। घटनाएँ घटती हैं पर उनकी बारीकियों पर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वे संकेतों, रूपकों और स्मृतियों के झीने तारों में घटित हो रही होती हैं। पर इनमें कुंवर जी के कुछ कंसर्न, कुछ सरोकार, कुछ चिंताएं और चिंताएं साफ साफ भी पढ़ने में आती हैं। उनकी बात कर लेते हैं। मनुष्य और मनुष्यत्व के बीच जो ताकत एक दीवार की तरह आग खड़ी होती है, क्रूर ताकत, उसकी जाँच भी अपने लेखन में एक प्रकार से शुरू से करते आए हैं। क्रूर ताकत का ये खेल मनुष्य क्यों खेलता है और अपने को मनुष्यत्व से, सहज जीवन से, अच्छाई भलाई से, सात्विकता और पावनता से क्यों वंचित कर लेता है, यह उनकी एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। इस सिलसिले में बेचैन पत्तों का कोरस में संकलित कहानी उसका अहाता कितने चेहरे विशेष रूप से दृष्टव्य है। इसमें एक मकान के परिसर में लगभग एक जैसे चेहरों वाले लोग एक आदमी को बार बार आते में घर में प्रवेश करने से रोकते हैं, चाहे तो कह लें बिला वजह उस पर शक करते हैं, उसके शत्रु बने फिरते हैं और फिर वही लोग एक अन्य प्रसंग में उसका फेवर पाने के लिए तरसते हैं और उससे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं मानो वो इसके दास हों। तो ताकत के खेल में न जाने कब कौन हार या जीत जाता है और असली शिकार बन जाता है मनुष्यत्व। उनकी अन्य कहानियों में भी चरित्र, पात्र, घटनाएं, स्थितियां
एक अदृश्य तराजू में एक दूसरे की ताकत तोलती नजर आती हैं, और इससे कई मनोरंजक सी स्थितियां बनती हैं जिनके बनने के वक्त कुंवर जी के रचनाकार का विट और ह्यूमर गजब ढंग से सक्रिय होता है, और उस और विट और ह्यूमर की सक्रियता के वह चीज़ें और इनके साथ कहानियां भी बड़ी दिलचस्प हो उठती हैं। यह गुण आकार के आसपास की कहानियों में भी था, पर बेचैन पत्तों के कोरस में तो वह बड़े परिष्कृत और कभी कभी तो बड़े पारदर्शी ढंग से सामने आता है। भाषा का भी एक गजब परिष्कार और कोमल तंतुओं को बड़े संतुलन के साथ संभाले रखने का कौशल देखते ही बनता है। मोनालिसा की डायरी कहानी का अंतिम पैरा देखिए। 20वीं सदी लूब्र की प्राचीरों के अंदर मैं निर्वासिता मोनालिसा नई पौध को अपने सामने से गुजरते हुए देखती हूँ। आंखें केवल आंखें, नई और मासूम आंखें जो मेरी ओर देख रही हैं और यह जानना चाहती हैं कि मेरे हृदय में क्या है, मेरी मुस्कुराहट में कौन सा रहस्य छिपा है, शांति, संतोष, हर्ष, आनंद, कुटिलता या सिर्फ उदासीनता। मैं चुपचाप इन खोजती बीनती आँखों के जो मेरे लिए एक आदत बन चुकी हैं उस पार देखती हूँ उन्हीं सपनों को जिन्हें मैंने सदियों पहले देखा था लियोनार्डो की अतृप्त जिज्ञास आँखों में। मानवता अभी भी पूर्ण है, रेनेसा युग की तरह इस युग में भी एक बेचैनी है पर आत्मविश्वास नहीं। नई योग्यता, नई उपलब्धियाँ तो हैं पर हर चेहरे पर एक दबा हुआ भय और आशंका है जो हर दूसरे चेहरे के प्रति सशंक है, जिसमें अपने सौम्य और शांत चेहरे से भी ढाड़स नहीं दे पाती। शायद इन्हें लगता हो कि मेरे डूबे हुए तन्मय नेत्र, मेरी मुस्कुराहट इस विचित्र जीवन पर आक्षेप या अनुमोदन से अधिक अस्पष्ट एक व्यंग्य है जो अपने अस्थायित्व से जीवन की हर चंचलता को तौलती है। एक साथ कितनी चीजें, कितने संदर्भ और रचना की कितनी विधा विधियां हैं। डायरी शैली है, टिप्पणियां हैं, रेखा चित्र हैं, निबंध की शैली भी है, कला चर्चा है, सभ्यता समीक्षा है। इसी तरह वृंदा कहानी में भी ये सारी चीज़ें हैं लगभग, और एक प्रकार का यात्रा व्रत भी है खजुराहो के प्रसंग से। हर कहानी विमर्श है, वार्तालाप संवाद शैली का भी उत्कृष्ट इस्तेमाल है, और कुंवर जी की जो चिंता काल को लेकर है उसके त्रैकालिक रूप पर वह भी प्रायः हर कहानी में मौजूद है। इतिहास है, पुराण है, जैसा कुछ की कुछ कहानियों के शीर्षकों से भी स्पष्ट है। कूछा में ह्वेनसांग, भविष्य में भविष्य के वाल्मीकि से पत्नी का प्रतिवाद, और अंतिम कहानी है कमरे जहाँ जीवित मृतक सब साथ हैं, क्योंकि जीवित में यह क्षमता है कि वह स्मृतियों के सहारे बीते कल को आज में बदल दे और इस तरह जीवन को प्रज्वलित भी करे और प्रश्नांकित भी करे। प्रायः हर कहानी में प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर जरूरी नहीं कि दे ही दिए गए हों। हाँ, पाठक को खूब उकसाया गया है कि वह भी अपने प्रश्न पूछे, साथ ही प्रश्नों के जो उत्तर यहाँ उपलब्ध हैं उनको परखे, जांचे और मानो अपना विमर्श, अपनी कहानी बुने। इन कहानियों को लेकर कुंवर जी ने संग्रह में एक वक्तव्य भी रखा था, वह भी बहुत काम का है इन कहानियों को जांचने सराहने के मामले में। इसे संग्रह में इस नोट के साथ दिया गया है। 4 जुलाई 2017 की सुबह तक कुंवर नारायण जी ने प्राकथन के रूप में जितना भी लिखवाया था वह उसी प्रकार यहाँ दिया जा रहा है। इससे एक अंश प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहानी को व्यक्ति के विचार और उसके मनोविज्ञान के निकट लाने के लिए उसके शिल्प को निबंध की विधा के समीप लाया जा सकता है। निबंध, खासकर व्यक्तिगत या ललित निबंध, इस युग में कम होते से लग रहे हैं। उसे कहानी के निकट लाना या कहानी को उसके निकट ले जाना शायद दोनों को एक नया आयाम देना हो सकता है। ठीक इसके विपरीत मैंने एक दूसरे प्रकार का प्रयोग भी किया है, कहानी को इतना स्पष्ट कहानी बना देना कि वह कहानी से भिन्न कुछ का आभास देने लगे। इस दिशा में सोचना मुझे असार्थक नहीं लगा, उपलब्धि की दृष्टि से यह भी सार्थक रहेगा ऐसा विश्वास है। अब जो भी हो, मिनट का मुझे ये कहने की तीव्र इच्छा हो रही कि इन कहानियों को कवि कथाकार की लिखी हुई कहानियों की तरह न पढ़ा जाए।
कवियों की लिखी हुई कहानियों की एक अलग कोटि बनाकर हिंदी की आलोचना समीक्षा में कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल की कहानियों के साथ भारी अन्याय किया है, जबकि इनकी कहानियों को भी एक कथाकार की कहानियों की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए। कवि को बीच में लाकर हम जैसे इनका एक विशेष संदर्भ पहले से ही ऐसा बना देते हैं जहाँ से इनका कथा के रूप में देखा जाना एक खास चश्मे से देखी जाने वाली चीज़ बन जाती है। मैंने इन सभी लेखकों की कहानियों को इनके कवि रूप से अलग करके स्वतंत्र कहानियों की तरह ही पढ़ा है और इनके कथारस का भी पूरा आनंद उठाया है। हाँ, कुंवर जी की कहानियों में भी कथारस भरपूर है। उनकी कहानियों की एक खूबी यह है कि वे आपको उलझाए रखती हैं और यह बिना कथारस के संभव नहीं है। आकारों के आसपास की समीक्षा करते हुए मैंने लिखा था, अब मैं उसको नहीं कोट करूँगा, आप कोट कर चुके हो, पर उसमें से एक अंश, गुड़ियों को ध्यान से देखता रहे गुड़िया बनाने वाले को लेकर, वे काफ़ी बदल चुकी थी पर अत्यंत सुंदर थी आज भी और उसी कलाकार की याद दिलाती थी जिसकी गुड़ियाँ कभी सर्कस करती थी, पर अब उनके चेहरे पर चंचलता न थी। लगता था किसी बेवकूफ उदासी से अपने घेरे हुए किसी बेमतलब बात को एकदम से शुरू से सोच रही हैं। गुड़ियों के बहाने किसी मानवीय अनुभव को रेखांकित करने की ही यह कोशिश है। कुंवर नारायण की कहानियों का संसार बड़ा है। दोनों संग्रह की कहानियों को मिला लें तो उन असंख्य स्थितियों को, घटनाओं को, चरित्रों को, पात्रों को, जगहों को, ऋतुओं को, विवरणों वर्णनों को हम कई तरह से सोच सकते हैं जो यहाँ सहज ही एकत्र हैं। सहज इसलिए कि इनमें इनको गढ़े रचे जाने के बावजूद एक प्रवास है सोच का, भाषा का, दिखने वाली या दिखाई जाने वाली चीज़ों का। वे बड़ी सहजता से हमें किसी खास सदी, किसी खास ऐतिहासिक पौराणिक प्रसंग के बीच स्थित कर देती हैं और हमें किसी उड़न खटोले में बिठाकर वहाँ तक ले जाने का एक सहज उपक्रम करती हैं। जोर जबरदस्ती जबरदस्ती वाला उपक्रम नहीं। कहानी की खोज शीर्षक कहानी का प्रारंभिक अंश देखिए। एक बार एक कहानी ने मुझे अचानक ही खोज लिया। मैं किसी कहानी का विषय बनने के लिए बिल्कुल तैयार न था। मैं उससे भागने लगा तो वह मेरे पीछे पड़ गई और कहने लगी, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, प्रेम कहानी हूँ। ठीक है, मैंने कहा, प्रेम कहानियाँ कोई नई बात नहीं, मारी मारी फिरती हैं, घर घर में आए दिन उनके चर्चे चर्के चलते रहते हैं। वह उठकर या शायद रूठ कर जाने लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वह सामने की कुर्सी पर बैठ गई। लैंप की रोशनी में पहली बार उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखा। पता नहीं क्या था जिसने मुझे उसकी ओर इतना आकर्षित किया। इन कहानियों का जीवन प्रेम हमें आकर्षित करता है के रहस्यों, उसकी उलझनों और जीवन मात्र के प्रति जिज्ञास भाव को इनमें जिस तरह व्यक्त किया गया है, पिरोया गया है, वह अपने आप में सचमुच सहज भी है और विलक्षण भी है। कितना अच्छा है कि कहानी मानो अपने को ही खोजते खोजते कुंवर जी के पास चली आई और जब वह फिर कभी ओझल हुई तो कुंवर जी उसकी खोज में निकल पड़े। दोनों की इसी खोज प्रक्रिया का नतीजा है बेचैन पत्तों का कोरस की कहानियाँ, जिनका बुद्धि वैभव, जिनकी आंतरिकता और जिनकी प्रश्नाकुलता अपना एक सौंदर्य भी तो रचती हैं। कुछ जल्दी जल्दी पढ़ा क्योंकि ठंड बहुत लग गई थी तो प्रवाह कम ज्यादा हो रहा था। धन्यवाद। मेरा आलेख का कैनवस काफी छोटा है और ये आलेख भी छोटा है, इसलिए कि कुंवर जी की कविता, उनके गद्य साहित्य और उनके चिंतन और उसके कई आयाम विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं और उनका भी विवेक है, अंतःकरण का विवेक, उसके बारे में एक साथ बात करना बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने अपने को बहुत सीमित रखा है इसमें। मुझे क्योंकि मुझे लगता है कि कविता का उत्तर जीवन, वही कविताएं अपना उत्तर जीवन हासिल कर पाती हैं जो या तो अपने पढ़े जाने की बड़ी कठोर शर्तें सामने रखती हूँ, मसलन उनको पढ़कर आप असहज हो जाएंगे या उनको पढ़ना कठिन है, आपके आपके दिमाग में कुछ झंझावात पैदा हो सकते हैं,
और यहाँ पे दूसरी कविताएं हैं जो कि हर वक्त आपके लिए रास्ते रास्ते बनाती रहती हैं, दरवाजे खिड़कियां खोलती रहती हैं, ताकि आप उस कविता पहुंच सके जिसने उनको लिखा है। तो कुंवर जी दूसरे तरह के कवि हैं, उनकी कविता को पढ़कर आप उनके मनुष्य तक पहुंच सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं वो कैसा मनुष्य लिख रहा है। तो ये उनकी पारदर्शिता है और यही उनका मिनिमलिज्म भी है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो उनकी कविता में बार बार ऐसे उदात्त शब्द लौटते हैं जो पुराने इस्तेमाल शुदा और क्लासिकी अर्थों के हैं। मनुष्यता, प्रेम, कृतज्ञता, ईमानदारी, अच्छाई, सच्चाई, बेहतरी, पूर्णता, सार्थकता, बृहदता आदि ऐसे शब्द हैं जिन्हें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ताएं काफी हद तक अपने वास्तविक आशयों से बेदखल करती रही हैं। अब कई बार उनके उलट अर्थ निकलते हैं और आज के राजनीतिक माहौल में तो झूठ का इतना अधिक प्रवेश हो चुका है कि यह आशंका होने लगती है कहीं झूठ ही सच का दर्जा न ले ले। इतिहास में पूंजीवाद, तानाशाही और फासिस्ट नाथसी राजनीति ने भाषा को भ्रष्ट और अर्थहीन करने का काम सबसे ज्यादा किया है। कुछ साल पहले एक अमेरिकी पत्रकार ने रघुवीर साय से कहा था कि राजनीति की भाषा से मेरा विश्वास पूरी तरह उठ गया है। जब कोई नेता यह कहता है कि सुबह हो गई है तो मैं समझ जाता हूँ कि रात है और सोने चला जाता हूँ। जर्मनी में हिटलर के नाथसी दौर में अनेक लेखक बुद्धिजीवी इस संकट से दोचार हुए थे। बेल्टोर ब्रश की कई कविताओं का थीम यही है। मसलन एक कविता, नेता जब शांति की बात करते हैं आम आदमी जानता है युद्ध सन निकट है। नेता जब युद्ध युद्ध को कोसते हैं मोर्चे पर जाने का आदेश हो चुका होता है। पूंजीवादी राजनीति के इस झूठ में अब बाजार, संचार माध्यम और विज्ञापन भी शरीक है। ऐसी स्थिति में शायद एक बड़ी नैतिक संवेदनाएं शब्दों को फिर से उनके वास्तविक अर्थों में प्रतिष्ठित और ऊर्जस्वित कर सकती है। पुनर्प्रतिष्ठा का यह काम वही कर सकता है जिसका भाषा के नैतिक मूल्य पर अविचल विश्वास हो। शायद इसीलिए कुंवर नारायण बेझिझक पुराने शब्दों को इस्तेमाल में लाते हैं और उन्हें बृहत्तर अर्थों में प्रकाशित कर देते हैं। एक कविता वो कहते हैं, किसी भी शब्द को आसी शीशे की तरह जब भी घुमाता हूँ आदमी, चीजों, के सितारों की ओर, मुझे उसके पीछे एक अर्थ दिखाई देता है जो उस शब्द से कहीं बड़ा होता है। इन पंक्तियों में कभी शब्दों की नहीं बल्कि उनके अर्थों की, उनकी सार्थकता और उनके विस्तार की खोज में है। यह गौरतलब है कि कुंवर नारायण ने कविता की कोई नई चमकदार भाषा इजाद नहीं की बल्कि प्रचलित और उपलब्ध भाषा का ही ज्यादा उपयोग किया और उसे उसकी खोई हुई मानवीयता दी। भाषा की यह फिक्र उनकी एक कविता में जगह जगह भाषा की यह फिक्र उनकी कविता में जगह जगह व्यक्त हुई है। एक भाषा जब सूखती, शब्द खोने लगते अपना कवित्व, भावों की ताजगी, विचारों की सत्यता, बढ़ने लगते लोगों के बीच अपरिचय के उजाड़ और खाइयां, शब्दों को आसी शीशों करे बरतने और अर्थों को बड़ा करने की यह तस्वीर कुंवर नारायण सूखती हुई भाषा के विकल्प और उसके प्रतिकार के तौर पर अपनाते हैं। यह उनकी भाषाई नैतिकता है। लेकिन भाषा सिर्फ शब्दों या संकेतों का समुच्चय नहीं है। लेकिन भाषा सिर्फ शब्दों या संकेतों का समुच्चय नहीं है। मानवीय एक संवेदना ही उसे मानवीय वर्गों का रूप देती है। मुक्तिबोध का यह सवाल काफी जाना माना है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। अगर उन्होंने कुंवर नारायण से पूछा होता तो शायद वे कहते मेरी पॉलिटिक्स नैतिकता है। एक कविता अब की अगर लौटा तो के वाक्य उनकी भाषाई और राजनीतिक नैतिकता के सुंदर उदाहरण है। अब की अगर लौटा तो बहत्तर लौटूंगा, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से, अब की अगर लौटा तो मनुष्यता लौटूंगा, या अगर बचा रहा तो कृतज्ञता लौटूंगा।
हताहत नहीं, सबके सबके हिताहित को सोचता पूर्ण तर लौटूंगा, बृहत्तर कृतज्ञतर मनुष्यतर हिताहित आदि शब्दों के पुराने पन पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि कुंवर नारायण किस तरह उन्हें आशी शीशों की तरह काम में लाते हुए अर्थों का विस्तार कर रहे हैं। जाहिर है नैतिक धरातलों को किसी नई आविष्कृत या चमकीली भाषा की दरकार नहीं होती। कुंवर नारायण की बहुत सी कविताएं मनुष्यता की सूक्तियों या सुभाषितों एपिग्राम्स की तरह हैं, जैसे उनमें पुरानी चीजों और मूल्यों को नई परिभाषा दी जा रही हो। एक अजीब सी मुश्किल में जैसे ही कभी मुसलमानों से झगड़ा करना चाहता है तो उसे तुरंत गाली याद आते हैं जिनके आगे किसी की कुछ नहीं चलती, या अंग्रेजों से घृणा करना चाहते हैं तो शेक्सपियर आगे आड़े आ जाते हैं जिनके उस पर कई एहसान है, और पहला धोखा देने वाली प्रेमिका तो प्रतिशोध और पहला धोखा देने वाली प्रेमिका से प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो वो कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन के रूप में मिल जाती है और कभी प्यार का घूंट भी कर रह जाता है। कुंवर नारायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं अपने सामने के 14 वर्ष बाद 1993 में प्रकाशित हुआ, जिसे उनकी काव्य यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रस्थापना परिवर्तन माना गया। उसकी कविताओं में हमारे वर्तमान इतिहास के गहरे संकटों के साक्ष्य मिलते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार और विशाल पूंजी ने उपभोक्ता वस्तुओं और मुक्त व्यापार के साथ प्रवेश किया था और इसके आसपास ही खासकर उत्तर भारत में सांप्रदायिक ताकतें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती हुई राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ने लगी थी, और जिसकी परिणति अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से हुई। इस दौर में दूसरे पंथ की अवधारणा की राजनीति भी बहुत सक्रिय हुई और हिंदुत्व वाली ताकतों ने दूसरा इसलिए अस्वीकार को एक उन्माद की तरह फैलाना शुरू किया। कुंवर नारायण अपने कविता संग्रह के शीर्षक से ही इस दूसरे पद को अस्वीकार करते हैं। कोई दूसरा नहीं कि ज्यादातर कविताएं तकलीफ और विकलता का दस्तावेज है, हालांकि इसके साथ ही कविता की गवाही पर से कुंवर नारायण का विश्वास और भी गहरा होता जाता है। कभी हमारे सामने, कभी हमारे पहले, कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद, कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। इसके बाद प्रकाशित संग्रह इन दिनों में भी कुंवर नारायण के नैतिक सामाजिक आशय ज्यादा गहरे हुए। गुजरात के जनसंहार पर लिखी एक कविता, एक जले हुए मकान के सामने की कुछ मार्मिक पंक्तियां हैं, फिर भी लगता है कि हर जगह वही है, नया सा लगता कोई बहुत पुराना आदमी किसी गुमनाम गली में एक जले हुए मकान के सामने खड़ा हैरान कि क्या यही है इसका उसका हिंदुस्तान। रघुवीर साहेब साहित्य का उद्देश्य उपलब्ध यथार्थ के सामने एक दूसरे और ज्यादा मानवीय यथार्थ की ओर संकेत करना मानते थे। कुंवर नारायण उस यथार्थ के बरक्स जैसे कल्पना का एक आईना रख देते हैं। जीवन के आखिरी दौर में रघुवीर साहेब जिस उम्मीद को प्राय खोते हुए दिखते हैं, कुंवर नारायण उसे बचाए रखने के सूफियाना तर्क खोजते हैं। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। सात पंक्तियों की यह कविता उस बड़ी दखनी की शायरी के अंदाज की है, जिसके मजार को गुजरात में नेस्ट नाबूद कर दिया गया था। इसमें शुरू की पंक्तियां इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था किसी गजल के मिसरे की तरह है, और एक सूफी किस्म के विराग को या तो कबीर की जो की त्यों धरदीनी चदरिया जैसा जैसे अनुभव को जगाती है। दूसरा दृश्य हमारे समय की क्रूरता का है, जहां मासूमों का रक्त है और कपड़ों पर उसकी छींटे हैं, और फिर इस यथार्थ के बरक्स आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार के कभी न भरने वाले जख्म की आकांक्षा की गई है। यहाँ कुंवर नारायण जैसे उस क्रूरता के प्रतिरोध में
प्रेम के गहरे जज्बे का एक आईना रहता है। एक और छोटी सी कविता है, वो कहते हैं इतना कुछ था इस दुनिया में लड़ने झगड़ने को मरने मारने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीतता रहा। उनकी एक और कविता कई भाषाओं में केवल कुछ अनमिटे अक्षरों और अस्फुट ध्वनियों को किसी तरह जोड़कर ही प्यार की एक भाषा निर्मित कर लेती है। कौन रानी की संवेदना का विकास उस दौर में हुआ जिसे नई कविता का साहित्यिक समय माना जाता है, लेकिन उनकी कविताओं में शुरू से ही पारिवारिक और सामाजिक छवियां और चिंताएं बनी रही हैं। इसका एक उदाहरण तो परिवेश हम तुम ही है, जिसमें नीम के फूल जैसी अद्भुत कविता है। यहाँ तक कि उनके प्रबंध का आत्मजयी में भी धर्म के नाम पर हिंसा पाखंड और स्वार्थ की खासी चीर फाड़ है, जो इतने वर्ष बाद अब भी प्रासंगिक लगती है। कोनायन जब मिथकों और इतिहास में भी जाते हैं तो यही छानबीन करते हैं कि ताकत और विजय के सारे विमर्श कितने निस्सार हैं। उनके वैचारिक और सांस्कृतिक सरोकार भी काव्य से आगे आधुनिक चिंतन, मनुष्य के सांस्कृतिक संकटों, विश्व सिनेमा, शास्त्रीय संगीत आदि तक गए हैं, और गंभीर सिनेमा पर उनका लेखन गहरी अंतर्दृष्टि से भरा हुआ है। हिंदी में उनकी नैतिक प्रदर्शी उपस्थिति का एक उदाहरण यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जब मार्क्सवादी विचारधारा लगभग सार्वजनिक उपहास का विषय बन रही थी, उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद सोवियत संघ से निकलकर विचारों की एक ज्यादा बड़ी दुनिया में आ गया है। उनकी यह मान्यता भी कहीं चर्चित हुई कि साहित्य का जनवाद राजनीति के जनवाद से बहुत पुराना है। यह कथन प्रेमचंद के उस वाक्य की याद दिलाता है जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन में कही थी, साहित्य राजनीति के आगे आगे चलने वाली मशाल है। मुक्तिबोध ने कोनायन को जनतांत्रिक कवि कहा था। दरअसल घोषित प्रगतिशील या मार्क्सवादी न होते हुए भी कोनायन की चेतना में प्रगतिशील विवेक अंतर्निहित रहा, इसीलिए वह कह सकते थे कि केंद्रीय मार्क्सवादी चिंतन में भी आध्यात्मिक शब्द बहिष्कृत नहीं है। उसके सही संदर्भ हुए मानवीय मूल्य हैं जिनके पूरे विकास की कल्पना समाजवादी व्यवस्था में की गई है। यहाँ फिर से प्रेमचंद की याद आ सकती है जो संगठित समाजवादी चेतना के आने से पहले ही अपनी रचनाओं में समाजवाद के पक्षधर बन चुके थे। कोनायन की बाद की कविताओं में विवेक विजडम के नए आयाम प्रकट हुए और वह विराग भी गहरा हुआ जो बड़ी रचनाओं की नैतिक रीढ़ होता है। एक कविता में हुए कभी कभी टहलते हुए बाजारों की तरफ भी निकल जाते हैं और इन दिनों क्या बिक रहा है, किस दाम, फैशन में क्या है आजकल की पड़ताल करते हुए अंत में एक खुशी से भर उठते हैं कि इतनी ढेर सी चीजें जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। यह अनुभव के आत्मपक्ष और वस्तु पक्ष के योग का विलक्षण उदाहरण है जिसका संकेत मुक्तिबोध ने कोनायन पर लिखते हुए किया था। ताकत के तंत्रों द्वारा घृणा विद्वेष और बर्बरता की शिकार बनाए जा रहे समाज में कोनायन एग्जिट की तरह मनुष्यों का विभाजन करने वाली राजनीति, सांस्कृतिक संकीर्णता, धर्म सत्ता और बाजार को अस्वीकार करते हैं और बार बार उस प्रेम, नैतिकता और मनुष्यता की तरफ लौटते हैं जहां कभी शब्दों के आपसी शीशों से अपनी आत्मकथा को किसी भी देश काल में लिख और पढ़ सकता है। कोट है, जिसके लिए कहीं भी जन्म कहीं भी मृत्यु संभव है, जो किसी भी प्रस्तावना से पहले या उपसंहार के बाद अनायास शुरू हो सकती है, जैसे पुरुष किसी धरती पर प्रकट हो सकती है जैसे प्रकृति, किसी आकाश में ध्वनित हो सकती है जैसे प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अशोक बाजपेयी सर को बुलाऊं,
मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहता हूँ। 24 सितंबर को 4:30 बजे इसी सभागार में हम लोग विष्णु खरे को याद करेंगे। आप सभी सादर उपस्थित रहें। अब मैं धन्यवाद के लिए सर को आमंत्रित करूंगा, वे आए और धन्यवाद। समय बहुत हो गया है, इसलिए सिर्फ धन्यवाद कहकर भी काम चलाया जा सकता है, जो मैं चलाना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को नियोजित करने में अपूर्व की बड़ी मदद मिली, तो मैं उनका कृतज्ञ हूँ। ताकि हमारे मित्रों ने अपनी अपनी दृष्टि से एक बड़े लेखक के संसार का जो अन्वेषण किया, तो वो जो लिखा हुआ है उसको मेरे पास छोड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर अब हमारा हक है। ये बताना जरूरी है सार्वजनिक रूप से, क्योंकि बाद में लोग पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो हम क्या जवाब दें। आपका बहुत धन्यवाद कि थोड़े बहुत विकेट गिरे, पर ज्यादातर असल में हमारे यहाँ धैर्य बहुत कम हो गया है। खुदा जाने लोगों को कहाँ जाने की जल्दी हो, भाई जाके क्या करोगे? वही मूर्खतापूर्ण झूठ बोलने वाली टेलीविजन की चैनलों के सामने बैठ जाओगे और अपने बड़े कवियों पर 2-2.5 घंटे की सुचिंतित बातचीत सुनने का न तो शौक रहा है न धीरज रहा है। मुझे याद आता है कमलेश जी हमारे मित्र थे, मैंने जितनी पत्रिकाएं सोची सब निकाली, लेकिन एक ऐसी पत्रिका थी जो नहीं निकली, क्योंकि वो कमलेश जी के साथ सोची थी। उसका नाम कमलेश जी ने रखा था पुनर्वस। उनका कहना था कि अब नई कविता की फसल तैयार हो गई है, और पुनर्वस वो नक्षत्र है जो लगभग फसल कटने के अवसर पर उदित होता है, तो पुनर्वसु शीर्षक से। तो अब लेकिन उसका इस्तेमाल कर लिया एक संकलन में? नहीं, वो तो मैंने फिर बाद में पुनर्वसु शब्द को जो विश्व कविता का एक संचयन हमने किया था विश्व कविता समारोह के सिलसिले में, उसका राजकमल से वो भी प्रकाशित है। तो बहरहाल कविता मंगाई किससे? मुक्तिबोध से। मुक्तिबोध को चिट्ठी लिखी, तो मुक्तिबोध जी पहले तो नानू नच भेज रहा हूँ, तैयार हो रही है, ये है वो है। वो भी अपनी कविता प्रकाशित करने में घोर संकोच करते थे, लेकिन उनके संकोच का कारण उनकी कविता की लंबाई थी। उनको लगता था किसी कौन पत्रिका छापेगी, बल्कि कल्पना में जब मैंने बद्री विशाल पिक्ति और प्रयाग जी थे वहां, उनको बद्री विशाल पिक्ति ने 4 चिट्ठियां लिखी, उसके बावजूद मुक्तिबोध ने अपनी कविताएं नहीं भेजी थी, तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि आपने कहा था कि मुक्तिबोध साहब तो उनको 4 चिट्ठियां लिख चुके, उनको जवाब ही नहीं आ रहा। तो बहरहाल मुक्तिबोध जी को हमने चिट्ठी लिखी, मुक्तिबोध जी का जवाब आया कि इधर जिस कविता पर मैं काम कर रहा था और जो लगभग पूरी हो गई है, वो बहुत लंबी है। आपने सूचित किया है कि आपकी पत्रिका 32 पृष्ठ की होगी, तो ये तो कविता 54 पृष्ठों की हो चुकी है। तो बहरहाल वो कविता अंधेरे में थी, जो थोड़े दिन बाद ही अग्नेशका सोनी लेकर आई थी। वो भी एक अद्भुत कहानी है, उसका पाठ हम लोगों ने उन दिनों ज्ञानपीठ का कार्यालय दरियागंज में था, और कहाँ वो गोलचा सिनेमा के पास, गोलचा सिनेमा के ऊपर, तो उसके कविता ये तय हुआ कि इसको पढ़ा जाए। अब इतनी लंबी कविता थी, तो शुरू किया श्रीकांत वर्मा ने, और आधी दूरी तक पहुंचते पहुंचते वो थक गए, तो उसका आधा पाठ फिर मैंने किया। तो बहरहाल ये श्रेय मुझे मिलना चाहिए, किसी को पता नहीं है तो अब आजकल तो श्रेय खुद ही लेना पड़ता है ना, तो आत्म प्रशंसा और आत्म रक्षा का घोर युग है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप रहे और इतनी अच्छी बातचीत हुई। और परसों यानी 24 को हम यहीं पर 4:30 बजे विष्णु खरे को याद करेंगे, और फिर 6 बजे आपको चाय पिलाएंगे,
6:30 बजे जाने नहीं देंगे, 6:30 बजे आज कविता का आयोजन है, इसमें 4 कवि करता है। धन्यवाद। मैं एक शब्द बोल दूं जल्दी से, अशोक जी और रजा फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम को आयोजन का, अपने अच्छे से आयोजन वर्ष के लिए, और जितने लोग आए पढ़ने, प्रयाग जी, मंगेश जी, अनामिका जी, प्रियदर्शन जी, पंकज और गौतम शेट्टी जी की फिल्म बहुत ही सब अच्छा लगा हम लोग को। एक बस चीज़ यहाँ रह गई जो विष्णु खरे इसमें बोलने वाले थे वो नहीं आ पाए, मैं सोच रहा था क्या बोलते वो अगर आते यहाँ पे, सोचना व्यर्थ है समय। मैं सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा इस कार्यक्रम में, और 24 को मौजूद रहेंगे हम लोग, और अशोक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि दोनों किताबों उन्होंने इतनी जल्दी से निकाली और इतनी अच्छी तरह से निकाली, दूसरे वाले अशोक, अशोक महेश्वरी जी को। और दो लोगों को मैं मेंशन करना चाहूँगा, अशोक द्वितीय कविता की किताब में पंकज बोस बैठे हैं पीछे, इनका बहुत हाथ रहा है उसको एक शेप देने में, और कहानी की किताब में अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी हैं वो सच्चे पीछे, इनका हाथ रहा है। इन दोनों को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। कलेक्शन एक आप मेरा।